हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन अकेडमी तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू तो रीच नाइपर दैट इज टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया नाइपर मीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च तो नाइपर के बेसिकली सेवन इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में उसमें एडमिशन के लिए आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है इफ यू आर अ बी फार्म ग्रेजुएट देन हाउ यू विल प्रिपेयर यूर सेल्फ टू रीच इन दैट पोजिशन तो बेसिकली जो नाइपर का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिनाई है उसमें क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं कैसे आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है उन सब बातों का इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हो सकता है कुछ लोग को नहीं पता होगा कि नाइपर क्या है नाइपर हमें क्यों जाना है भाई हम दूसरे कॉलेज में भी तो पढ़ सकते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि नाइपर इज नेशनल इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक इंजीनियरिंग में आपका आईआईटी होता है मेडिकल में एम्स होता है फार्मेसी में नाइपर होता है तो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाना है सेकंड थिंग इफ यू आर क्वालिफाइंग जीपैट इफ इफ यू आर क्वालिफाइंग नाइपर इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन नाइपर देन यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप ऑफ ट्वेल्व पर मंथ फॉर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ यूर मास्टर्स मतलब दो साल का आपका मास्टर्स होगा एमएस होगा या फिर एम होगा या फिर एमबीए जो भी एमबीए में तो नहीं मिलता एमएस और एम में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा बारह हजार चार सौ रुपया हर महीने का स्कॉलरशिप मिलेगा तो अल्टीमेटली जो आपका फीस है वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा ठीक है इसलिए आपको नाइपर से पढ़ना है यू आर दिस वीडियो डेफिनेटली यू वॉन्ट अ गुड करियर इन फार्मेसी आपको फार्मेसी में बहुत अच्छा करियर बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी स्टडीज करनी पड़ेगी तो जीपैट का जो कोर्स होता है हमारे पास वन ईयर का कोर्स भी अवेलेबल है टू ईयर का भी कोर्स अवेलेबल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अब हम लोग आते हैं वापस अपने वीडियो में सो बिफोर रीचिंग टू द नाइपर एंट्रेंस एग्जाम आपको एक और एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा दैट विल बी आईदर जीपैट और गेट जीपैट की हम लोग बात करेंगे दैट इज ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट और जो गेट होता है वो इंजीनियरिंग बेस्ड होता है मीन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो गेट होता है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं यूजली जो फार्मेसी के स्टूडेंट है वो प्रिफर करते हैं लाइफ साइंसेस या फिर केमिस्ट्री तो लाइफ साइंसेस या फिर केमिस्ट्री से आप गेट क्लियर कर लोगे तब भी आप नाइपर का इंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो या फिर जो बेस्ट वे है दैट इज जीपैट आप क्लियर करोगे तब भी आप नाइपर का इंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो ठीक है तो अल्टीमेटली यू हैव टू क्वालिफाई जीपैट जीपैड वाला रास्ता हम लोग देखते हैं क्योंकि ये आसान भी है और इसमें हमारे सिलेबस की चीजें होती है गेट वाला रास्ता के लिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें गेट करना है कैसे करना है क्या करना है अल्टीमेटली गोल तो तुम्हारा नाइपर है नाइपर में जाना है तो गेट वो चीज क्यों करना जो तुम्हारे सिलेबस का ही नहीं है सिलेबस को छोड़ कर क्या और अलग से चीजें पढ़ने जाओ ये तो बेवकूफी है ना आपके पास जी वाला रास्ता है तो जीपैट का प्रिपरेशन करो ढंग से और इधर से इस रास्ते से जाओ हाँ गेट का फॉर्म आप भर सकते हो गेट का फॉर्म आता है तो गेट का फॉर्म भरो लाइफ साइंसेस की बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस से मैच करती हैं आपका ये केमिस्ट्री का बहुत सारा चीज़ आपका मैच करता है यदि आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री से भर दो अदरवाइज लाइफ साइंस से भर दो जस्ट एज एन एक्सपीरियंस लो उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से गेट एग्जाम में बैठ दो विदाउट प्रिपरेशन मतलब आप प्रिपरेशन जीपैट का ही करो तो वहां पर भी कुछ चीजें कॉमन है तो आप जाकर के एग्जाम दे दो वो क्वालिफाई हो गया तो आप सेफ रहोगे उसके थ्रू भी आप नाइपर में जा सकते हैं प्लस वो जिसका गेट क्वालिफाई हो जाता है उसका जीपैट वैसे ही क्वालिफाई हो जाता है ठीक है तो जीपैट का आपको प्रिपरेशन करना है जीपैट का प्रिपरेशन करने के बाद आप जीपैट क्वालिफाइड हो जाते हो मतलब आपका रैंक कितना है क्या है वो मैटर नहीं करता बस आपका क्वालिफाइड है देन यू आर एलिजिबल फॉर नाइपर उसके बाद फिर नाइपर में जब आप इंट्रेंस दोगे तो नाइपर में जिसके जितने ज्यादा अच्छे रैंक आएंगे उसको उतना अच्छा नाइपर मिलेगा उतना अच्छा ब्रांच मिलेगा तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर मुझे बस जीपेट क्वालिफाई करना है फिर तो मैं नाइपर के लिए एलिजिबल हो गया तो बात तो सही है लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो बस आपने जीपैट क्वालिफाई किया तो वो बंदा भी तो क्वालिफाई किया है ना जो अंडर टेन अंडर हंड्रेड रैंक लाया है तो जिसने अच्छे से पढ़ाई किया है जीपैट में वो अल्टीमेटली नाइपर में भी अच्छा पढ़ाई करता है यूजुअली देखोगे तो जो टॉप टेन के रैंक वाले बच्चे होते वही अक्सर मैक्सिमम में से एटी लोग वही टॉप टेन में नाइपर में भी आते हैं तो अल्टीमेटली आपको जीपैट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा देन यू विल परफॉर्म गुड इन नाइपर ठीक है दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है उन सारे चीजों को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और एक प्रॉपर वे में बताऊंगा जहां पर से आपको जीपैट क्वालिफाई कर सकते हो जीपैट क्वालिफाई करके नाइपर में भी अच्छे रैंक ला सकते हो उसके बाद फिर आपको टॉप नाइपर जाना है जैसे आज की डेट में नाइपर हैदराबाद टॉप में है मोहाली जाना है अहमदाबाद जाना है वो सारे चीजें ड्रीम्स आपको एम करना है या फिर एमएस करना है या फिर मेडिकल डिवाइस में जाना है वो सारी चीजें डिसाइड होती है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू तो प्रिपेयर फॉर नाइपर इससे पहले यदि आपको जीपैड का प्रिपरेशन करना है तो जीपैड के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है क्या करना है उसका ऑलरेडी भी हमने वीडियो बना दिया है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा अब नाइपर के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो तो नाइपर में या तो आपको गुड रैंक चाहिए या तो फिर बेस्ट रैंक चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग 2023 की ट्वेंटी थ्री बात करें मतलब इस साल की बात करेंगे तो अप्रोक्सिमेटली 6000 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई हुए थे जीपैट में इन 6000 में से लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट्स नाइपर में सीट्स होते हैं तो उसमें जाते हैं मतलब जो बंदा जीपैट क्वालिफाई कर रहा है उसमें से हर एक छठवा बच्चा नाइपर में जा सकता है वन सिक्स ठीक है तो यहां पर भी कॉम्पिटिशन है तो आपको गुड रैंक लाना ही पड़ेगा उसमें जाना है तो या तो फिर बेस्ट रैंक लाना पड़ेगा अंडर टू हंड्रेड अंडर हंड्रेड तो आप अच्छे नाई पर में अच्छे ब्रांच के साथ जा सकते हो नाउ कमिंग टू द गुड रैंक तो देखो जो आप जीपैट में पढ़ रहे हो जीपट में यदि आपका अच्छा रैंक है तो ऑब्वियसली आपने फार्मास्यूटिक्स अच्छे से पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी पढ़ा होगा कोग्नोसी पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री जुरिस्ट प्रोडेंस माइक्रोबायलॉजी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी ठीक है बट जो जी पैट में होता है वो अक्सर हम लोग बायो केमिस्ट्री उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो ये पढ़ना होगा आपको थोड़ा सा ठीक से उसके बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं इसको हमें नाइपर में अच्छे से पढ़ना होगा ये चीज पढ़ेंगे तो हमारा अच्छा रैंक आ जाएगा नाइपर में और यदि आपको बेस्ट रैंक लाना है तो नाइपर में क्या ट्रेंड है कि उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अक्सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट को आपको बहुत स्ट्रॉग करना है और हमारा जो अन अकेडमी का कोर्स है उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सर पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा देन इसमें जो नेम रिएक्शन होते हैं उससे भी क्वेश्चन आ हैं तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा फिर हम लोग बात करते हैं नाइपर में तो नाइपर में आपको पता है कि नाइपर का जो इंट्रेंस होता है नाइपर जेई ये जो नाइपर जेई लिखा हुआ है इसके थ्रू आपको एमएस में भी एम टेक में भी और एम में भी एडमिशन मिलता है तो एम में सेम मतलब वही सेम इंटरेस्ट के थ्रू एम भी आप ले सकते हो तो एम लोगे तो उसमें फार्मास्यूटिकल जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन है वो भी रहते हैं लगभग टेन क्वेश्चन तो ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो यदि आप सेवंथ सेमेस्टर में हो या फिर उससे पहले सिक्स या फिफ्थ जो भी हो तो एट्थ सेमेस्टर में आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना यदि आपको नाइपर करना है तो क्योंकि नाइपर का एग्जाम तो जून उन के आसपास होता है मई जून में तब तक आपका एट सेमेस्टर का जो पढ़ाई है वो हो जाएगा मतलब फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट वहां से आपका रेडी हो जाएगा दस क्वेश्चन तो ये जरूर लेना ठीक है फिर उसके बाद फिर आता है आपके पास रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये भी करना पड़ता है 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 ना ये जो नॉन फार्मा वाले सब्जेक्ट इनमें से लगभग फोर्टी मतलब ट्वेंटी वेटेज रहता है दो क्वेश्चन रहते हैं तो चालीस क्वेश्चन इनमें से आते हैं ठीक है तो रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड आपको करना पड़ेगा और आपको पता है कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड अभी हम लोग पूरा एन एकेडमी में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ आपको है ना स्पेशल क्लासेस करके एन एकेडमी का जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें स्पेशल क्लासेस में उन सब क्लासेस का लिंक यहाँ पर आपको दिख जाएगा उसके लिए आपको अन अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपना लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो फ्री क्लासेस में है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग अभी एप्टीट्यूड हम लोग कर रहे हैं वही एप्टीट्यूड आपका फार्मासिस्ट एग्जाम डी एग्जाम सब में काम आएगा वही आपका नाइपर में भी काम आएगा तो वो सारे क्लासेस करोगे तो उधर से वो कवर हो जाएगा देन फार्मास्यूटिकल करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा नाइपर एग्जाम की जस्ट पहले छः एक साल पहले का करेंट अफेयर्स जो फार्मेसी में क्या क्या कौन से नए ड्रग अप्रूवल वगैरह हुए हैं ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना फार्मा सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ किसको नोबेल प्राइज मिला ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो वहां से दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं फिर रिसेंट यूएसएफी अप्रूव ड्रग्स जो रिसेंटली यूएसएफ डी के जो अप्रूव ड्रग्स होते हैं ये सारे चीज़ पढ़ोगे तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट करोगे तो आपका जो मार्क्स है कम से कम ट्वेंटी मार्क्स तो आपका इंक्रीज हो जाएगा जब ट्वेंटी मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो रैंक होगा बेस्ट हो जाएगा आपका अंडर हंड्रेड में आने की प्रॉबिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी तो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है अच्छे से पढ़ना है अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर नाइपर जई में जो मैंने बताया कि जो गुड रैंक लाने के लिए सारे सब्जेक्ट तो आपने पढ़ लिए ठीक है एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें आपको ज्यादा फोकस करना है अच्छे से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है है ना अच्छे से फोकस करके तो पहला आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है आई यू पढ़ना है उसके बाद फिर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है आइसोमरिज्म पढ़ना है उसके बाद फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है फिर रिएक्शन एंड नेम पढ़ना है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फिर, फिर आपको में, NMR, mass, और से क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिग्नल पूछ देगा मास में उसके जो भी क्या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन पैटर्न वगैरह पूछ लेता है कौन कौन से उसमें डिटेक्टर्स होते हैं ये सारी चीजें पूछ सकता है आईनाइजेशन टेक्निक से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है मास में फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री में आपका वुडवर्ड फिशर रोल जरूर पूछता है उसका बियर लाइमर्ट लॉ से क्वेश्चन जरूर आता है ठीक है फिर आता है आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तो उसमें आई आर रेंजेस आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन फंडामेंटल वाइब्रेशंस वगैरह पूछता है देन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से कम से कम तीन चार क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक मीन्स आपको कोई भी ब्रांच में करोगे रिसर्च करोगे मीन्स वहां पर आपको एचपीएलसी वगैरह या फिर कोई भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करने ही करने सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट हो गया केमिस्ट्री के फिर क्या होता है कोग्नोसी से भी क्वेश्चन आते हैं और कोग्नोसी के क्वेश्चन लोग थोड़ा सा कैजुअल ले लेते हैं तो इजी है बन जाएगा करके लेकिन नाइपर में कैजुअल मत लेना इसमें बहुत सारे जो केमिकल टेस्ट होते हैं हैं के वो आपको पढ़ने फिर बायोसिंथेटिक पाथ फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये सारी चीजें पढ़ते हैं पढ़ना है आपको ठीक है बायोसिंथेटिक पाथवेज या ये मेटाबॉलिक पाथवे जो भी है इसको जॉन सर ने ऑलरेडी कराया है यूट्यूब में इसी पर्टिकुलर चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ लेना या फिर लाइव वीडियो में जाकर के ढूंढ लेना जॉन सर ने पीपी जॉनसन ने ऑलरेडी पढ़ाया है वहां से आपका वो हो जाएगा देन एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी बहुत अच्छे से करना है एडल्टरेट इवैल्यूएशन वगैरह सब फिजिकल केमिकल इवैल्यूएशन है ना माइक्रोस्कोपिकल uh, इवैल्यूएशन सारी चीजें आपको वहां से पढ़नी है वेरियस इंपॉर्टेंट ड्रग्स जैसे कि ग्लाइकोसाइड एल्कलॉइड टैनिन्स स्टेरपेनॉइड्स कार्बोहाइड्रेट्स फ्लेवोनोइड्स इन सबसे भी क्वेश्चन आता है कोग्नोसी में स्टेरेशन ऑफ हर्बल्स एज पर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के अलावा बहुत सारे 20 22 पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा फिर आता है क्रूड ड्रग इंक्लूडेड इन इंडियन फार्माकोपिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब इंडियन फार्माकोपिया में आई uh, थिंक 2008 से क्रूड ड्रग इंक्लूड हुए इंडियन फार्माकोपिया में उससे पहले नहीं हुआ करते थे तो कौन कौन से क्रूड ड्रग फार्माकोपिया में है उसका एक लिस्ट एटलीस्ट देख लेना ठीक है और अक्सर ये होता है कि वो जो क्रूड ड्रग इंक्लूडेड है उनसे क्वेश्चन दे देते हैं फिर प्लांट हार्मोन आपको पढ़ना पड़ेगा एक क्वेश्चन आता है प्लांट हार्मोन से फिर अदर सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना आपको जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे आपको पढ़ना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको डाला हुआ है फिर वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी आपको पढ़ना है एलाइजा रिया ऑटो रेडियोग्राफी सेम टेम ये सारी चीजें आपको पढ़नी फिर एंजाइम्स पढ़ना है आपको बायोकेमिस्ट्री से फिर डीएनए और आरएनए का कंप्लीट डिटेल पढ़ना है फिर रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है फिर आता है जनरल एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड में मिक्सर एलिगेशन एंड लॉगरिदम से क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज परसेंटेज से क्वेश्चन आता है अल्फाबेटिकल सीरीज कोडिंग डी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है प्रॉफिट लॉस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है इन सब के शॉर्टकट्स होते हैं और ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं जैसे मैंने बोला कि के एप्लीकेशन में पढ़ा रहा हूँ वो फ्री में है आप कोर्सेस ज्वाइन नहीं करोगे तब भी उन क्लासेस को देख सकते हो मेरे प्रोफाइल में जाना उनकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके पुष्पेंद्र कुमार सर्च करना मतलब आप जो जीप एंड फार्मा एग्जाम सेलेक्ट करोगे तो मेरे प्रोफाइल में जाओगे फ्री क्लासेस का एक सेगमेंट होगा इसमें ऑलरेडी मैंने चार क्लास ले ली है और बहुत सारे क्लासेस मैं लेने वाला हूँ देन एवरेज प्रपोर्शन एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज इसका एज उतना है, इसका है उसका एज पांच साल पहले तीन गुना था अब दो गुना है तो उसका एज बताओ कितना है ये कि वाला पार्टनरशिप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम इन सब से क्वेश्चन आता है फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आता है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है मेन्सुरेशन से क्वेश्चन आता है ठीक है और डाटा सफिशियंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ लोगे तो नाइपर में आपका बहुत ही अच्छा रैंक आ जाएगा और आप एक नेशनल इंस्टीट्यूट में पहुंच जाओगे तो इस वीडियो में इतना ही और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और सिमिलर काइंड आप कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरीके के वीडियोस आते रहेंगे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे सो सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू सो मच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो मीज डेफिनेटली यू अ गुड करियर इन फार्मेसी आपको फार्मेसी में बहुत अच्छा करियर बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी स्टडीज करनी पड़ेगी बहुत अच्छी स्टडीज करनी है तो आपको बहुत अच्छे फैकल्टीज से पढ़ना पड़ेगा तो हमारा अन एकेडमी में आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल है विथ बेस्ट फैकल्टी अब हम लोग अपने कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर कोर्स मिलता है आपको जीपैट का जितने भी हमारे कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है सब कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जीपैट का जो कोर्स होता है हमारे पास वन ईयर का कोर्स भी अवेलेबल है टू ईयर का भी कोर्स अवेलेबल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप ड्रग्स इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन करेंगे तो करेंटली हमारा दो बैच चल रहा है उत्तराखंड और गुजरात वाला ड्रग्स इंस्पेक्टर इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप ये वीडियो कभी दो चार महीने बाद देख रहे होंगे तो जो भी कहीं पर भी वैकेंसी आया होगा तो उसके लिए हमारा बैच चल रहा होगा जरूर हमारे अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे आप चेक करें यदि आप फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है जो भी कोर्स आप परचेस करो वहां पर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे डॉक्टर पी के टेन तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा हमारे कोर्सेज को परचेस करने का क्या प्रोसेस है तो जितने भी कोर्सेस है उनका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको अन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालिए मींस आप उसमें लॉगिन कीजिए आफ्टर दैट यू हैव सेलेक्ट सेक्टर गोल उसमें जीपैट एंड अदर फार्मा एग्जाम्स करके सेलेक्ट कर दीजिए फिर आपको स्टोर टैब में जाना है तो स्टोर टैब में हमारे जितने भी कोर्सेस हैं जितने भी बैचेस चल रहे हैं सारे बैचेस अवेलेबल होंगे उसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए अब हम लोग आते हैं वापस अपने वीडियो में